फाइनली अब टाइम आ गया है बटरफ्लाइज तो तुम्हारी एक नई जर्नी की शुरुआत, यस न्यू खुशखबरी। नहीं नहीं करके आया है, क्या पहना है ये, और ले हटाना है। अच्छा ठीक है, हटा दो और प्यार से हटा दो। बैग यूज कर रही है। तो आज हम जा रहे हैं रुहान के वैक्सीनेशन के लिए। आज ये बहुत होने वाला है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि एक से दो साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कैसे ये बच्चे यहाँ पे स्टीम्ड एप्पल खा रहा है। रुहान आज रोएगा नहीं ना दादा। तो इस बार हम दोनों थोड़े से बहुत ज्यादा वैसे हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि जब डॉक्टर ऐसा बोल देते ना कि एक से दो साल बहुत और बड़ा हो गया, समझ रहा है। लास्ट टाइम जब गए थे तो उसका वैक्सीनेशन नहीं था, फॉलोअप था, तो इसको बेड पे लिटाया और ये रोने लगा था। तो अभी देखते हैं। और मौसम भी अभी खुला हुआ है यहाँ पे, पिछले एक दो दिन से बारिश नहीं हो रही है। हमने शॉक्स भी पहन लिए, हमने कपड़े भी चेंज कर लिए और डॉक्टर भी आ ही गया बस। अभी हम कहाँ चल रहे हैं रोहान? कहाँ चल रहे हैं? तो मैं सॉक्स नहीं पहनने बस। हाँ चलो झुंझुना का है, झुंझुना ये देखो। ये 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 मार दिया अम्मी को। तो उम्मा करो, उम्मा करो, चुप कराओ, उम्मा करो, उम्मा चुप करा। दीपिका और श्वेत एक दफ़ा फिर बनने वाले पेरेंट्स। दीपिका ने दी अपने फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी। ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए सब घर वाले, चाहे हों या चाहे सब्सक्राइबर हों। एक दफ़ा फिर दीपिका और श्वेत के घर आने वाली हैं गुड न्यूज़। रोहान रोहान यू नो देखो देखो हाँ क्या हो गया?